हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, और जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी हम लोग कई टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। उसी क्रम में हम लोग कवर कर रहे थे लैंडफॉर्म, तो ऑलरेडी हम लोग जो है रिवर एंड यूलियन लैंडफॉर्म को कवर कर चुके हैं, और आज हम बात करने वाले हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म की। तो चलिए देखते हैं कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं और इनके द्वारा कौन से लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लेशियेटेड टोपोग्राफी यानी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। सबसे पहले जानते हैं कि ग्लेशियर क्या होते हैं। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, बेसिकली ये हिम के क्या होते हैं, समूह होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे गतिशील होते हैं। ठीक है, इसमें दो बातें याद रखनी है कि ये क्या होते रहते हैं, मूविंग फॉर्म में होते हैं। अब मूविंग की रेट क्या होगी, ये डिपेंड करेगा स्लोप कितना है और उसके ऊपर मटेरियल कितना है। तो ग्लेशियर क्या होता है, तो ये हिम के समूह होते हैं जो क्या होते हैं, स्लोप के सहारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मूव करते रहते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं वर्क ऑफ ग्लेशियर यानी ग्लेशियर कार्य कैसे करता है। तो ग्लेशियर वैसे ही कार्य करता है जैसे नदी तीन कार्य करती है, हवा तीन कार्य करती है, वैसे ग्लेशियर क्या करते हैं, बेसिकली तीन कार्य करते हैं। पहले इरोजन करते हैं, अपरदन करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं यानी परिवहन करते हैं, और लास्ट में जब उनकी एनर्जी समाप्त हो जाती है तो उसको क्या कर देते हैं, डिपोजिट कर देते हैं यानी निक्षेपित कर देते हैं। तो इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, इरोजन का। तो आइए देखते हैं कि इरोजन कैसे करते हैं। तो जो ये इरोजन करते हैं वो दो रूप में करते हैं, एक एब्रेजन यानी अपघर्षण के माध्यम से, और दूसरा क्या है, पल्किंग के माध्यम से यानी उत्पाटन के माध्यम से। आपको इनके जो इरोजनल वर्क बताए गए हैं, चाहे वो इवोलियन का हो या रिवर का हो, आपको ये याद रखना है, अन्यथा एग्जाम में आपको दे देगा कि पल्किंग का संबंध किससे है, यानी पल्किंग का कार्य कौन करता है, ग्लेशियर करता है या रिवर करती है या वायु करती है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ बताया गया है। एब्रेजन क्या होता है, एब्रेजन का मतलब होता है अपघर्षण। अपघर्षण मीन्स जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो क्या करता है, चोट मारता है यानी प्रेशर डालता है किस पे, चट्टानों पर, और इसलिए चट्टानें क्या होती रहती हैं, टूटती फूटती रहते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्रेजन। अगला क्या है आपका, पल्किंग। पल्किंग का मतलब होता है प्लक करना, उखाड़ देना, इसको हिंदी में उत्पाटन बोलते हैं। यानी जब ग्लेशियर मूव करता है, जैसे ये ग्लेशियर है ये मूव कर रहा है, और मान लीजिए टीला आ गया, तो टीला आने से क्या करता है, इस टीले को ये उखाड़ फेंकता है यानी तोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पल्किंग। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म यानी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे क्या है, यू शेप वैली। यू शेप वैली क्या होती है, ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो भी ग्लेशियर मूव कर रहे हैं जिस वैली में, वो प्राचीन काल में किसके द्वारा निर्मित किए गए थे, नदियों के द्वारा निर्मित की गई घाटियां थी। ठीक है, जब कालांतर में हिमयुग आया यानी जब पूरे अर्थ पे हिम का क्या हो गया, बहुत सारा विस्तार हो गया, तो जो ये बी आकार की घाटियां थी किसकी, नदियों की, ये किससे भर गई, इसी ग्लेशियर यानी जो हिम था उससे क्या हो गई, भर गई। जब इस घाटी में ग्लेशियर मूव किया तो ये दोनों पार्श्व भाग को, जो अपने पार्श्व यानी ये इस वाले भाग को और इस वाले भाग को क्या किया, काफी इरोड किया, और इरोड करने से अंततः यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ, इसी को बोलते हैं यू शेप्ड वैली। तो आपको पता चल गया कि यू शेप्ड वैली का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली भी यू शेप वैली ही होती है, लेकिन इसका छोटा भाग होता है, किसका, यू शेप का। ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो मुख्य घाटी होती है इसके ऊपर एक छोटी घाटी बन जाती है, यहाँ से ग्लेशियर मूव कर ये कहाँ अपना डिपॉजिट करता है, इस मुख्य घाटी में। तो जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो घाटी है ये मुख्य घाटी पे क्या कर रही है, लटक रही है, उसकी जो सहायक घाटी है, तो उसी को क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली। क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटी। एक है आपका महत्वपूर्ण स्थलाकृति है सर्क। ठीक है, क्या है सर्क, सर्क सर्क कुछ इस तरीके यानी अर्धवृत्ताकार, ये जो आराम कुर्सी वाला स्थलाकृति है, इसका आकार कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, या इसका आकार थोड़ा सा जो आराम कुर्सी होती है उसके आकार का होता है, इसलिए इसको कभी कभी आराम कुर्सी वाला क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म
के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है इसको लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है, ठीक है। कोई किसी तरीके से मानता है तो कोई किसी तरीके से मानता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हुए जिनका नाम था वर्गसुंड, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, वर्गसुंड ने जो फर्क से निर्मित वर्गसुंड सिद्धांत दिया था, इसको भी आपको क्या करना है, जानते रहना है, ठीक है। तो जो आपका सर्क होता है ये कैसे होता है, कार होता है, कैसे होता है, अर्धवृत्ता कार होता है, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि जो सर्क होता है इसको अलग देश में अलग अलग नाम से क्या है, जानते हैं। जैसे नॉर्वे में इसको किस नाम से जानते हैं, बोंटे के नाम से जानते हैं। उपनाम यानी जो अन्य देशों में इसके नाम है उसको आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में जो अन्य देशों में सर्क के नाम है उसको पूछा गया है और भविष्य में पूछा जा सकता है। जर्मनी में इसको क्या नाम से जानते हैं, तो जर्मनी में इसको कोरी नाम से जानते हैं या केरन के नाम से जानते हैं। बेल्स में इसको किस नाम से जानते हैं, तो बेल्स में इसको किम नाम से जानते हैं, CWM यानी किम के नाम से जानते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण स्थल कीर्ति है आपकी टॉर्न। क्या है टॉर्न, टॉर्न बेसिकली क्या होता है, एक लेख होता है जो आपका ये सर्क बनता है, क्या बन जाती है, झील का निर्माण हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, टॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्न। टॉर्न इसके बाद आता है अरेट। अरेट, अरेट क्या होता है, जब दो सर्क यानी एक सर्क इधर से आया, ठीक है, एक सर्क इधर से आया और एक सर्क इधर से आया, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए, तो कुछ इस तरीके से स्थलाकृति का निर्माण हुआ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अरेत। क्या बोलते हैं, अरेत। जिसके दांत होते हैं वो आरी के समान होते हैं, ठीक है, एक दांतेदार हसिया होती है, उसी के आकार का होता हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अरेत बोलते हैं। तो अरेत का निर्माण कैसे हुआ, दो सर्क के आपस में मिलने से हुआ, ठीक है। अगला आपका क्या है, हॉर्न। क्या है, हॉर्न का निर्माण कैसे होता है, जब दो से अधिक सर्क यानी तीन सर्क आपस में मिल जाते हैं, यानी पीछे से भी एक सर्क या इधर से भी एक सर्क आके मिल जाए, तो जब दो से अधिक सर्क आपस में आके मिल जाते हैं तो आपकी कुछ इस तरीके की स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हॉर्न। यानी ये सींग की तरह ऐसे दिखता है, किसकी तरह, हॉर्न की तरह दिखता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो हॉर्न के उदाहरण है, किसके, हॉर्न के उदाहरण है। जैसे यूरोप में एक है मैटरहॉर्न पर्वत। क्या है, मैटरहॉर्न पर्वत। तो मैटरहॉर्न पर्वत किसका उदाहरण है, इसी हॉर्न का उदाहरण है। एक होता है आपका कोल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। कोल्स क्या होता है, जब ये आपका जो अरेट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अरेट होता है, तो मान लीजिए पर्वत के बीचों बीच भाग में बना हुआ है, इधर से आपको इधर जाना है, तो ये क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो जो ये अरेट होता है ये इरोड होकर खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी ये जो जो आपका अरेट है ये इरोड होकर जब समाप्त हो जाता है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर एक दर्रे का निर्माण हो गया, जिससे आप अब इस पर्वत को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं कोल्स। क्या बोलते हैं, कोल्स बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका नूनाटक। नूनाटक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, ठीक है, ग्लेशियर के द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति है। होता क्या है, जब ग्लेशियर क्या करता है, इरोजन का कार्य करता है, तो जैसे मान लीजिए ग्लेशियर मूव कर रहा है, अपरदन का कार्य कर रहा है, लेकिन यत्र तत्र कहीं पर आपका क्या है, जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो बच जाती हैं, तो वो क्या ऐसे दिखाई देती है, ऐसे टीले की नुमा दिखाई देती है, बाकी सारे इरोड हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे क्या दिखाई देता है, टीले के स्थलाकृति दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं नूनाटक। क्या बोलते हैं, नूनाटक। तो ये रहा आपका जो है ग्लेशियर के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति। अभी कुछ और स्थलाकृति है, उसको हम आगे की पीपीटी में देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जो अपरदनात्मक ही है, वो क्या है, क्रेग एंड टेल। यानी क्रेग एंड टेल को क्रेग एंड टेल के ही नाम से जाने तो बेहतर है। क्या होता है कि जब ग्लेशियर मूव करता है और इसके सामने कहीं पर ऐसी चट्टाने आ गई, यानी बसाल्टिक चट्टाने आ गई। क्या आ गई, बसाल्टिक चट्टाने आ गई, तो ग्लेशियर क्या करता है, ठीक है, इसको तोड़ने का प्रयास करता है, और जिधर से ग्लेशियर इसके ऊपर चढ़ता है यानी मूव करता है, इधर ऐसे खावड़ की स्थलाकृति बन जाती है, और जिधर से इसको ये क्या करता है, नीचे उतरता है, इधर क्या बन जाता है, स्मूथ बन जाता है। यानी जिधर से ये
इस पे क्या करता है, उधर क्या बन जाता है, ऊबर खाबर, और इधर से ये क्या करता है, डाउन करता है, उधर से जाता है खुद स्थला बन जाती है। तो इसी स्थला केतु को क्या बोलते हैं, क्रेग एंड टेल, एक भाग को क्रेग बोलेंगे, एक भाग को टेल बोलेंगे, यानी सिरिंग और पुच्छ, इसको हिंदी में बोलते हैं सिरिंग और पुच्छ, इसलिए आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन ही। अगला महत्वपूर्ण स्थलाकृति राम टैने, ठीक है, यानी इसको हिंदी बोलते हैं भेड़ पीठ शैल। होता क्या है कि जब ये आपका ग्लेशियर मूव करता है और इसके ग्लेशियर के सामने यानी कोई विशेष प्रकार की चट्टानें आ जाती हैं, तो ये क्या करते हैं ग्लेशियर इस चट्टान के ऊपर ऐसे मूव करते हैं, तो जिधर से मूव करते हैं इधर तो काफी स्मूथ रहता है क्योंकि इसको इरोड करते रहते हैं, लेकिन ये जिधर उतरते हैं उधर क्या बन जाता है, ऊबड़ खाबड़। देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भेड़ बैठी हुई है, इसलिए इस शिला का नाम भेड़ पीठ शिला। आपको ये क्रेग एंड टेल है और रासमुटेने है, दोनों लगभग सेम बनने का प्रोसेस है, अंतर केवल इतना है कि जो आपका क्रेग एंड टेल है इसमें जिस तरफ होता है, लेकिन इधर ये जो रासमुटेने है इसमें जो ग्लेशियर जिस तरफ से मूव करता है यानी चढ़ता है जिस तरफ से, वो क्या होता है, स्मूथ होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। एक है आपका महत्वपूर्ण स्थलाकृति पैटरनोस्टर लेक, ठीक है, या इसको दैत्याकार झील भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या है पैटरनोस्टर लेक, आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ये बनता है स्टेप फॉल्ट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, स्टेप फॉल्ट बना हुआ है, इस तरीके के स्थलाकृति बनी हुई है, और ग्लेशियर इसी पे से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मूव कर, तो जहां ये वाला पॉइंट है यहाँ पर गर्त बन जाते हैं यानी झील का निर्माण हो जाता है, और ऐसे कैसे बहुत लंबी दूरी तक जब बन जाते हैं तो ये देखने में कैसे लगते, एक माला में ये क्या हुए हैं, पिरोए हुए हैं, और इसी स्थलाकृति को बोलते हैं पैटरनोस्टर लेक, क्या बोलते हैं, पैटरनोस्टर लेक। एक स्थलाकृति है आपकी फ्योर्ड्स, फ्योर्ड होते हैं, फ्योर्ड्स हाई लेटिट्यूड पे पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो ये ग्लेशियर होते हैं, ठीक है, जो ग्लेशिएटेड पर्वत होते हैं, जब वही ग्लेशिएटेड कोई ये पर्वत कह दीजिए, पर्वत के जगह पे आप बोल सकते हैं कि कोई ग्लेशिएटेड एरिया है, ठीक है, और जब वो क्या करता है, सबमर्ज करता है, बेसिकली जो ग्लेशिएटेड पर्वत होते हैं, पर्वत के तटीय भाग होते हैं, जब वो सबमर्ज करते हैं जल में, ठीक है, तो उसी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, फ्योर्ड बोलते हैं। नॉर्वे में ये क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्थलाकृतियां जो आपकी थी ये इरोजन के द्वारा निर्मित थी, इसको आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं डिपोजिशन के द्वारा निर्मित कौन कौन सी हैं, जिसमें पहला है आपका मोरेन, क्या है मोरेन, तो मोरेन क्या होते हैं, बेसिकली जब ग्लेशियर की एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो समाप्त जाती है, तो जो भी इनके साथ अवसाद रहता है उसको ये डिपोजिट करने लगते हैं, और डिपोजिट करते रहते हैं, ठीक है। तो कहीं पर जो ढेर लग जाता है ग्लेशियर का, ज्यादा मात्रा में डिपोजिशन हो जाता है, उसी ढेर को क्या बोलते हैं, मोरेन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोरेन्स, ठीक है। मोरेन्स के बाद आइए देखते हैं ड्रमलिन, ड्रमलिन क्या है, एक विशेष प्रकार की जो है क्या है, ग्लेशियर के द्वारा निर्मित ये डिपोजिशनल क्या है, लैंडफॉर्म है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जो है ड्रमलिन को, अंडे की टोकरी बोल सकते हो, इसका उपनाम है, इसको अंडे की टोकरी के नाम से जानते हैं। जब जो ग्लेशियर होता है उसमें गोलास में मृतिका ज्यादा होती है, यानी जो गोलास में मृतिका ज्यादा, जब इनका डिपोजिशन होता है तो देखने पर ये कैसे लगते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे जो अंडे की टोकरी होती है जब उसको उल्टा कर दीजिए तो जिस रूप में वो दिखता है उसी प्रकार से ये समूह में दिखते हैं, यानी जो ड्रमलिन होते हैं मैक्सिमम वो समूह में मिलते हैं, और इस प्रकार की स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, ड्रमलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रमलिन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रहा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल में एक महत्वपूर्ण अलग से लैंडफॉर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्लेशियो फ्लूवियल, ठीक है, यानी जिसमें ग्लेशियर भी रहता है और जल भी रहता है। तो इसको क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लैंडफॉर्म क्या होते हैं, ग्लेशियो फ्लूवियल फ्लूवियल होते हैं, जिसमें पहला है आपका एस्कर, क्या एस्कर, एस्कर बेसिकली क्या होता है, जब बहुत जो ग्लेशियर और डिपोजिट होता है, ठीक है, तो जब जमता है तो जब उसमें शायद कुछ कंकड़ पत्थर बच जाते हैं और ये क्या होते हैं बाद में पिघलते हैं, तो जब पिघलने से एक दूर एरिया तक क्या बन जाता है, इसी कंकड़ पत्थर का
एस्कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्कर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका, केम। केम क्या है, केम कैसे बनता है, केम ऐसे बनता है कि जब ग्लेशियर जिसमें जल की मात्रा भी होती है और कंकड़ पत्थर वो अधिक मात्रा में उसके साथ होते हैं, तो जब ये जल पिघलता है तो एक ही स्थान पर बहुत सारा कंकड़ पत्थर क्या क्या है, कंकड़ होते हैं उसमें से कुछ बर्फ के भी टुकड़े होते हैं, तो वो इकट्ठा जमा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, केम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केम बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका केटिल्स। केटिल बेसिकली क्या होता है, एक गर्त होता है, जब यही केम पिघलते हैं तो कहीं कहीं पर क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, केटिल्स। केटिल बेसिकली क्या होते हैं, गर्त होते हैं, ठीक है। और आगे क्या है आपका, आउटवास प्लेन। आउटवास प्लेन का मतलब हुआ, ये भी एक ग्लेशियर फ्लूवियल लैंडफॉर्म है, तो जो आउटवास प्लेन किसे बोलते हैं, जो ग्लेशियर, ठीक है, जब ग्लेशियर जो फ्लो होता है यानी प्रवाहमान होता है, गतमान होता है, जब इसकी एनर्जी समाप्त हो जाती है और जब इसमें जो टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और वो बहुत दूरी तक क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो एक विशेष मैदान का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं आउटवास प्लेन। क्या बोलते हैं, आउटवास प्लेन, ठीक है। डिपोजिशनल में आप चाहें तो एक टिल होता है, टिल क्या होते हैं, ये हिम के द्वारा निर्मित जो निक्षेपित क्या होते हैं, मैदान होते हैं, तो इसको डिपोजिशन में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इसको बेसिकली आपको अलग रखना है, एग्जाम में क्या होगा कि वहां पर दे दिया रहेगा कि कौन सा ग्लेशियर फ्लूवियल है, और उसी में से दो लैंडफॉर्म डिपोजिशनल का डाल देगा और दो लैंडफॉर्म का डाल देगा वायु का डाल देगा, या एक लैंडफॉर्म वायु का डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहचानना आपके लिए काफी कठिन हो जाएगा यदि आप लोग यहाँ पर इसको अध्ययन नहीं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनना क्या लगभग तय है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यूस आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहेगी और जिस टाइम के अंदर आपकी बात की गई है उसके अंदर पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, कुछ चीजों को बहुत डिटेल में बताया नहीं जा रहा है इसलिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो वो चीजें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग चैनल को जो है देखते रहिए, यहाँ पर आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।